नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आगामी दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की करीना रक्त कोष में अत्यधिक इजाफा करने के उद्देश्य हेतु भारत के वीर के कियांग नंगवाह की शहादत दिवस के मौके पर 30 दिसंबर 2021 को माई होम इंडिया आजमगढ़ जिला इकाई द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिला मंडलीय अस्पताल के ब्लड बैंक में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के संस्थापक और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवघर मौजूद रहेंगे। उक्त आशय की जानकारी नगर के होटल में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कार्यक्रम के सह संयोजक और भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष अमित लता सिंह ने कहा कि 2 वर्षों समूचा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हमारा राष्ट्रीय भी अछूता नहीं रहा है। इस महामारी के मद्देनजर देश में रक्त अत्यधिक आवश्यकता सामने आई है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि यह साल जो है बीतने की स्थिति में है और साल के अंतिम दिनों में जो है वो विश्वजीत सिंह पालीवाल द्वारा जो है इस महारक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, यह आजमगढ़ का नहीं पूरे प्रदेश का एक ऐतिहासिक रक्तदान शिविर होगा। और इन्होंने जिस हिसाब से तैयारी किया है, इनसे हम लोगों की बैठक जो है वो एक सप्ताह पहले ब्लड बैंक में हुई है। इन्होंने कहा है कि लगभग 500 से ऊपर जो है वो रक्तदाता जो है ब्लड देने के लिए आएंगे। हमने उनको बैठने की सारी व्यवस्था, उनको जलपान की सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है। और इसके साथ हम ये बताना आपको चाहेंगे कि इसी आजमगढ़ के समाज सेवियों की वजह से यह आजमगढ़ का ब्लड बैंक उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर जो है इस साल की रैंकिंग में आया है 2021 में। और विश्वजीत सिंह पालीवाल द्वारा जो ये कैंप लगाया जा रहा है 2022 में जो है प्रथम स्थान पर आएगा, ये हम लोग पूरी उम्मीद रखते हैं। और इसके वजह से आजमगढ़ के ब्लड बैंक को 2 उपकरण मिले हैं, ये बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। एक उपकरण आज ही मशीन प्राप्त हुई है जो 1.5 करोड़ रुपए की है, जो यूपी के 5 ब्लड बैंकों को मिली है, मेडिकल कॉलेज जिसमें आजमगढ़ भी है, जिससे अब प्लेटलेट और प्लाज्मा जो ऑटोमेटेड मशीन से 30। देखिए, उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरा राष्ट्र जूझ रहा है और हमारा प्रदेश भी जूझ रहा है, हमारा जिला भी जूझ रहा है। कोरोना के बाद की जो पोस्ट कोरोना की जो बीमारियां हैं उसमें ब्लड की, प्लाज्मा की, रेड ब्लड सेल्स की बहुत सारी ज़रूरत है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर आपको मालूम होगा कि हर पंद्रहवां व्यक्ति के बाद ही कोई दूसरे ग्रुप का ब्लड मिलता है, ज़्यादातर वो पॉजिटिव ग्रुप के ब्लड मिलते हैं। तो हमारे ब्लड बैंक में वो पॉजिटिव ग्रुप का तो ब्लड है, बाकी सारे ब्लड या प्लाज्मा उपलब्ध नहीं है। एक उद्देश्य तो ये है। दूसरा, एक गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनको इस अवसर पे हम याद कर रहे हैं, कियांग निंगवा। ये मेघालय के खासकर रहने वाले थे और उनका एक छोटा साम्राज्य था। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि 30 तारीख को हम लोग महारक्तदान का शिविर लगा रहे हैं सदर हॉस्पिटल में। माई होम के संस्थापक सुनील देवधर जी हैं, वो आ रहे हैं और हम लोग रक्तदान का इसलिए शिविर लगा रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है और कोरोना जैसी बीमारी में ब्लड की कितनी कमी हुई आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें ब्लड के लिए बहुत दौड़ भाग करना पड़ रहा था। इसलिए हम लोग ये 2 साल से मतलब शिविर नहीं हो पाया था रक्तदान का, इसी की वजह से हम लोग 30 तारीख को महारक्तदान शिविर सदर हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। कितने तीन सौ पार के लिए प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या हो रहा है, होर्डिंग्स लग रहे हैं, हैंडबिल्स बट रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, हैंडबिल बट रहे हैं और भी संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सभी संस्थाओं से भी बातचीत चल रही है, एक दूसरे के डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं और एक कह रहे हैं कि मतलब इस दिन शिविर लग रहा है, आप लोग आइए। जो रक्तदान को लेकर भ्रांतियाँ हैं उसको आप कैसे मतलब लोगों को जागरूक किया जाए? रक्तदान को लेकर जो भ्रांतियाँ महिलाओं में हैं कि ब्लड कम हो जाता है,
प्लाज्मा कम हो जाता, प्लेटलेट्स कम, ये सब गलत बातें हैं। अगर आप महिलाएं अगर रक्तदान करें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं खुद TV20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थनगर में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा समाज को जागरूक करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को सम्मान दिया, नौकरी और रोजगार दिया। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज का अपमान किया। सपा ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति और सरकार में हिस्सेदारी दी। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति और सरकार में भागीदारी से वंचित रखा। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को मंत्री नहीं बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने रामाश्रय विश्वकर्मा को मंत्री बनाया। सभी विश्वकर्मा बंधुओं को समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर वोट करना होगा। भगवान विश्वकर्मा के पूजा का दिन सबसे बड़ा दिन होता है और पूरे हिंदुस्तान में सभी जाति के लोग जिनके यहाँ लोहे लकड़ी तकनीकी कोई भी कारोबार होता है, जो हमारा विश्वकर्मा ही नहीं बल्कि अन्य बिरादरी लोग 17 तारीख को पूजा करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में पूजा होती है, पॉलिटेक्निक में पूजा होती है, ITI में पूजा होती है, वही आपके बाजार में गैरेज में काम करने वाला भी व्यक्ति, मोटरसाइकिल और गाड़ी बनाने वाला व्यक्ति 17 तारीख को भगवान विश्वकर्मा की पूजा करता है, फोटो लगाकर पूजा करता है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर हमने समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय नेताजी से हमने छुट्टी घोषित कराने का काम किया था। आपकी पहचान बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कैंसिल करके भगवान विश्वकर्मा का अपमान कर दिया, विश्वकर्मा समाज का अपमान कर दिया। जो पहचान समाजवादी पार्टी ने बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस पहचान को मिटाने का काम कर दिया। विश्वकर्मा समाज के भाइयों, पिछड़े वर्ग के भाइयों, ये BJP आपकी पहचान मिटाने का काम कर रही है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिटाने का काम कर रही है समाजवादी। हमें आपने ये बैठे हुए विश्वकर्मा समाज के लोग, जो गरीब लोग हैं, जिनका मकान नहीं, दुकान नहीं, जिनका रोजगार करने का कोई साधन नहीं, जिनका लोहे लकड़ी का कारोबार करने के लिए कोई साधन नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमने उनको ग्राम सभा की जमीन का पट्टा दिलाने का काम किया था। ये रविंद्र विश्वकर्मा है जिला अध्यक्ष है, उस समय हमारे लोगों से जो है हमारे लोगों को सिद्धार्थनगर में सैकड़ों लोगों को ग्राम सभा की जमीन का पट्टा देने का काम किया गया था और बाकायदा बैंक से लोन लेकर के उनके कारोबार को चलाने का। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधायक नफीस अहमद ने जनता से जनसंपर्क किया है। आजमगढ़ पूर्व मंत्री और विधायक नफीस अहमद आज अपने विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर में भ्रमण के दौरान तेजपुर, इस्माइलपुर, गोरिया, जलालपुर, सीपुर, जुड़ारामपुर, सरदहा बाजार, ब्रिजमनी खुर्द जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान 2022 में अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की लोगों से अपील किया। आजमगढ़ में अधिवक्ता की मौत के बाद साथियों में हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके तहत जहां सोमवार को शैलेश सिंह सिर उर्फ धीरज सिंह पर अवैध रूप से की गई गैंगस्टर की कार्रवाई के चलते जिला जेल में सी तबियत अचानक बिगड़ने के बाद BHU में इलाज के दौरान मौत के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ते जा रहा है, जिसे लेकर सोमवार के बाद मंगलवार को भी कई सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन व SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी ढंग से प्रशासन द्वारा धीरज सिंह पर गैंगस्टर लगाया गया। वहीं पर उसके बाद स्वास्थ्य शरीर को अचानक क्या बीमारी हुई जो कि अस्पताल में मौत हो जाती है, इसे लेकर न्यायिक जांच की मांग करते हुए SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आजमगढ़ के नगर के विलेसा के पूर्वी पटरी के नाला निर्माण में हो रहे विलंब के कारण स्थानीय लोगों को दुर्गंध के बीच जीवन यापन करना पड़ रहा है। संक्रामक रोग न फैले इसको लेकर मंगलवार को स्वरूप उपाध्याय के नेतृत्व में मोहल्लेवासियों ने DM को संबोधित शिकायत पत्र ADM प्रशासन को सौंपकर कार्रवाई की मांग किया। इस दौरान ADM प्रशासन द्वारा EO को उनके साथ चलकर मौका मुआयना कर समस्या से निजात दिलाने का निर्देश दिया गया। बलेसा निवासी स्वरूप उपाध्याय ने बताया कि आजमगढ़ वाराणसी मुख्य राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य इन दिनों जोरों पर चल रहा है, जिसके तहत शहर का सबसे व्यस्तम मोहल्ले बलेसा के पूर्वी पटरी के पुराने नाले को तोड़कर उसकी जगह नया नाला निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में नाला निर्माण बलेसा मंडी चौराहे से पहले रोक दिया गया है, जिसके कारण पानी की निकासी रुक गई है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ उपाध्याय है, मैं बलेसा चौराहे का मूल रूप से निवासी हूँ। आज आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या था पूरा मामला? आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पे आके जिलाधिकारी के नाम से ADM प्रशासन श्री अनिल मिश्रा जी को ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन का मूल बिंदु यह था कि हम लोग बलेसा चौराहे के निवासी हैं। बलेसा चौराहे पे वाराणसी और आजमगढ़ मुख्य राज मार्ग निर्माण हो रहा है, जिसमें पुराना नाला तोड़ दिया गया है, नया नाले का निर्माण किया गया है, लेकिन वह बलेसा चौराहे से पहले ही रोक दिया गया है।
जिससे कि नालियां भर गई हैं गंदे पानी से, नाला बजबजा रहा है, उसमें तमाम कीटाणु पैदा हो रहे हैं और हम लोगों के घरों में, हम लोगों का पुराना घर है उसमें सीलन लग गई है और गंदा पानी नाले का घर में जा रहा है। इसी संबंधित हमने एडीएम प्रशासन से आप क्या इस मामले को लेकर के नगरपालिका कभी गए नगरपालिका के संबंधित लोगों से कई बार मौखिक रूप से कहा गया, वो लोग सिर्फ आश्वासन देते रहे और थोड़ा मोड़ा नाला साफ सफाई करके छोड़ देते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से कोई समाधान नहीं निकाला गया। आज अधिकारी के पास हम ज्ञापन लगे, क्या मतलब मिला आश्वासन आपको? आज हमने एडीएम प्रशासन साहब को ज्ञापन सौंपा, एडीएम प्रशासन ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए उन्होंने तुरंत ईओ नगर पालिका आजमगढ़ को आदेशित किया और स्वतः मौके पर चलकर समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जनसुनवाई के दौरान कुल 66 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ द्वारा आज जनसुनवाई की गई, जिसके दौरान कुल 66 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यक संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने झंडारोहण किया और कांग्रेसजनों के साथ कुंवर सिंह उद्यान पहुंचकर स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद महापुरुषों को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया, नमन किया। तदुपरांत जिला कांग्रेस कार्यालय पर 5 जनवरी 2022 को आयोजित मैराथन दौड़ प्रतियोगिता के संदर्भ में बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कांग्रेसजनों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा, महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया। यह नारा महिलाओं के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसी क्रम में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण की दिशा में आजमगढ़ कांग्रेस जनपद में दिनांक 5 जनवरी 2022 को आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज मैदान में सुखदेव पहलवान स्टेडियम तक मैराथन दौड़ का आयोजन कर रही है। अधिकारी राजेश कुमार द्वारा आज राहुल सांकृत्यायन प्रच्छगृह सिधारी आजमगढ़ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत किसान गोष्ठी प्रदर्शनी का उद्घाटन शुभारंभ फीता काट कर दीपोजित कर किया गया। अधिकारी राजेश कुमार ने प्रदर्शनी में लगाए गए सभी स्टालों का अवलोकन किया एवं लगाए गए स्टालों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नोनमेंसी प्रयोग करने पर बल देते हुए 2 से अधिक फसल लेने और पारंपरिक खेती से आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने सह फसली खेती के अनुसंधानों और एक पौधे से अधिक तरह के उत्पादन बनाने की जरूरत को बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की भूमि की उर्वरा शक्ति वरदान के रूप में मिली है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सगड़ी तहसील के बासगांव में जनता इंटर कॉलेज बाजार गोसाई रहरैया के पूर्व प्रधानाचार्य के श्रद्धांजलि सभा में अपार जनसमूह पड़ा। हर कोई शिक्षक और समाजसेवी श्री राय को श्रद्धांजलि दी। सगड़ी तहसील क्षेत्र के बासगांव निवासी स्वर्गीय राजेंद्र राय के पिता स्वर्गीय चंद्रदेव राय पुलिस विभाग में दरोगा की नौकरी करते थे। वे अपने इकलौते पुत्र राजेंद्र राय को प्रशासनिक सेवा में नौकरी करने की इच्छा जाहिर करते थे, लेकिन बचपन से समाज सेवा की जो इच्छा उनके मन में थी, इसके लिए उन्होंने शिक्षा की नौकरी ज्वाइन कर ली। गोरखपुर के ककराही इंटर कॉलेज से हाईस्कूल पास करने के बाद गांधी इंटर कॉलेज मालटारी से इंटर तथा गांधी पीजी कॉलेज से बीए सिविली से समाजशास्त्र से एमए व बीएड की शिक्षा के बाद 1971 में हरिया इंटर कॉलेज में समाजशास्त्र के प्रवक्ता के पद पर तैनाती लेने के बाद शिक्षा कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। क्या कुछ कहा राम सकल मौर्य ने, इस दौरान सुनिए। सर, आज ये स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद राय के श्रद्धांजलि समारोह, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ प्रकाश डालें, उनके बारे में बताएं कैसे व्यक्ति थे और आज उनको किस रूप में लोग याद कर रहे हैं। पहले शिक्षा दिशा बता दें, हाई स्कूल परीक्षा हो इंटर कॉलेज का करी गोरखपुर से, इंटरमीडिएट गोरखपुर से, फिर मालटारी इंटर कॉलेज, बीए किए हैं गांधी डेयरी कॉलेज मालटारी, एमए सिविली नेशनल कॉलेज आजमगढ़, बीएड सिविली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। सन 1977 में समाजशास्त्र प्रवक्ता जनता इंटर कॉलेज बाजार गोसाई हरैया में चयनित हुए। सन 2001 में वह कार्यरत प्रधानाचार्य 2001 से 2003 तक, पुनः 2008 से 2011 तक अनवरत ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य रहे हैं। ये जिंदगी इनकी, यह हमेशा बिंदास जिंदगी जीते थे।
जब एक बार की घटना है, जब ए बी एस सी में पढ़ते थे हम साथ आजमगढ़, तो उस समय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रवक्ता की वेतन था 225 रुपये। उस समय श्री राजेंद्र प्रसाद राय का खर्च रहता था महीने का 400 रुपये। यानी शुरू से लेके अंत तक वह बिंदास जिंदगी जिए। बीमारी के बारे में कुछ बताएं। आज के शिक्षकों को इनसे कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए? हमेशा ये दूसरों की सेवा करने में तत्पर थे, सामाजिक कार्य भी करते थे। तो यही से एक चांद ये है कि आज की जो पीढ़ी है उनके किए हुए कारणों का अनुसरण करे और उस पर चले। युवाओं के लिए कहा जाता है कि प्रेरणा स्रोत रहे। हाँ, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, यह आजकल युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो क्या शिक्षक समाज इनके निधन की खबर से इसे मानता है कि अपूर्ण क्षति है? अपूर्ण क्षति हुई है। महाराजगंज ब्लॉक सभागार में स्थानीय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव और प्रसिद्ध विद्यालय के खंड शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और प्रसिद्ध विद्यालय के शिक्षक सहित अभिभावक गणों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य 3 से 8 साल के बच्चों में सर्वागीण विकास के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और प्रसिद्ध विद्यालय के शिक्षकों को जागरूक करना था। बता दें कि सरकार की मंशा के अनुरूप इस उत्सव में भाग लेने वाले सभी ने बच्चों के सर्वागीण विकास करने की शपथ ली और 3 से 8 साल के बच्चों के मानसिक विकास के लिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक सरकार के मानसर करते पालन का भी संकल्प लिया। मेनगर में आदर्श नगर पंचायत के विभिन्न स्थानों पर मंगलवार को कस्बे की नगर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम गोला बाजार स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयनगर चौराहा वार्ड नंबर 2 अम्बेडकर नगर स्वच्छता संरक्षण 2022 कराटा के माध्यम स्वच्छता का संदेश जेके आर्ट एवं संभव कल्चरल एजुकेशनल सोसाइटी घोषित तत्वाधान में कलाकार जेके चौहान, नकेंद्र कुमार, अखिलेश यादव, पंकज कुमार, के राजा, बादल शेख उर्फ सहित तमाम लोगों के बीच नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कदम स्वच्छता का संदेश गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर लोगों में संदेश दिया कि शौच के लिए बाहर न जाए, शौचालय का ही प्रयोग करें। आप लोगों को जान पर आभार अर्थ होगा कि आपके आदर्श नगर पंचायत में नगर में जेके कल्चरल एजुकेशनल सोसाइटी जनपद मऊ की टीम नुक्कड़ नाटक जो कि स्वच्छता पर आधारित है लेकर के आई हुई है आपके कानों तक हमारी आवाज। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर दलित समाज के सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे हजारों की संख्या में अनुसूचित समाज के लोग। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंबेडकर नगर के पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त एवं चंद्रशेखर चौधरी बाबा साहब वानी रहे एवं विशिष्ट अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा अनुसूचित प्रकोष्ठ के विधानसभा अतरौलिया के अध्यक्ष हरिराम ने, एक स्वयं संचालक राजेंद्र राम ने किया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव ने कहा कि दलित समाज हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। दलित समाज ने कभी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ये समाज न्याय के पथ पर चलकर हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। और क्या कुछ कहा सुनिए। अनुसूचित जात का अनुसूचित समाज का सम्मेलन हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में अनुसूचित समाज के लोगों ने कार्यालय पर एकत्रित हुए। आपको क्या लगता है विधायक जी, अनुसूचित समाज का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया? देखिए, अब जो होशियार है समझ सके तो समझे, ना समझे तो नाड़ी है। तो आपने देखा कि कैसे कितने उत्साह के साथ लोग आए। हमारी माताएं बहनें सर धज करके, नौजवान साथी झंडा नारा लगा करके, और साफ साफ उन्होंने कहा कि अम्बेडकर वादियों का इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। तो ये बहुत ऊंचे मन से आए हैं लोग और तय कर लिए हैं। अभी गांव-गांव हम जा रहे हैं। हमारी कुशमारा की प्रधान देखे प्रवृत्ति जी, और अभी आपसे ये सामने कर रहे हैं कि इतना वोट मारेंगी कि किसी का अता पता नहीं चलेगा। तो ये चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का एक इनकलाबी चुनाव है, एक बदलाव का चुनाव है। जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ धोखा किया उससे लोग गुस्से में, जो कोरोना के कारण ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ दिए वो लोग गुस्से में है। बेरोजगार नौजवान है जो दर दर भटक रहा है, परीक्षा देने जा रहा, पेपर आउट हो रहा है, बोर्ड लग रहा है दमदार सरकार। कहेगा दमदार सरकार जिसने 21 लाख
लोग जो टीटी का परीक्षा देने गए थे परीक्षा पेपर को आउट करा दिया, और एसआईटी ने कहा कि इन्होंने आउट क्या, उसके घर पे बुलडोजर चला, क्यों नहीं बुलडोजर चला उसके, 21 लाख टीटी परीक्षार्थियों के सपनों को जिसने तोड़ा, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला। इसलिए बुलडोजर वहाँ नहीं चला है क्योंकि सरकार के लोग और स्वयं मुख्यमंत्री उस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। 69,000 शिक्षक भर्तियों के साथ क्या हुआ, अभी सरकार कह रही गलती हो गई, गलती नहीं बहुत ज़्यादा पद को सरकार हड़प ली, तो सरकार जो है शोषितों वंचितों के अधिकारों का कुठाराघात कर रही है, उनकी नौकरियों को लूट रही है, और जब लोग हल्ला कर रहे हैं मरने मिटने के लिए आतुर हो जा रहे हैं तब सरकार कहती है कि गलती हो गई है और हम इसमें अब सुधार करेंगे। उसी तरह से जैसे कृषि अध्यादेश आपके सामने हम लोगों ने आंदोलन किया, ट्रैक्टर रैली निकाला तो हमारी रैली को रोका जा रहा था, कहा जा रहा था जनता गुमराह, तो क्यों तुमने कानून वापस लिया। तो असल में सरकार इस देश को अडानी के हाथों गिरवी रखना चाहती है, अंबानी के हाथों बेचना चाहती है, पूंजीपतियों के हाथ सामने घुटने टेकती है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये कभी देश के लिए काम ही नहीं किए। अगर ये देश के लिए काम करते तो शोषितों वंचितों के लिए कोई विश्वविद्यालय बनाए। सर अनुसूचित समाज का सम्मेलन हुआ है 2022 को चुनाव में ध्यान रखते हुए अनुसूचित समाज के मान सम्मान के लिए सम्मेलन रखा गया जी, जी। सर अनुसूचित समाज की दो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देखिए, वर्तमान समय में आज अनुसूचित जात का पूरे प्रदेश और देश का समाज बड़े पैमाने पर चिंतित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए दिन जो है इस बात की साजिश में लगी हुई है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सर्वजन समाज के सम्मान के लिए संविधान बनाया था उस संविधान को ये बदलना चाहती है। अभी आपने देखा था जो सदन चल रहा था इसमें राजस्थान के एक राज्यसभा सांसद ने संविधान के संशोधन के लिए संविधान को बदलने के लिए एक प्रस्ताव भी लाया था। इसको लेकर हमारा अनुसूचित जाति का समाज बहुत चिंतित है, इसलिए वो इस बात की तैयारी में है कि हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए कमर कस कर तैयारी करना है, और इस संविधान को अगर कोई लोकतंत्र को बचाने का आज मौके पर काम कर सकता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा का पूरा समाज तैयारी में लगा हुआ है। सर हजारों की संख्या में दलित समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। जी जी, लगभग 4 किलोमीटर जी लंबी गाड़ियों का काफिला लगा जी, और हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में दलितों का एकत्रित हुआ जी। सर इसे क्या संदेश जाता है कि दलित समाज समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर भी पूरी तरह से 4 किलोमीटर आप अभी देख रहे हैं, आप देखेंगे आगे 44 किलोमीटर के दलित नजर आएंगे, क्योंकि देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा दलित समाज है, और जिनके बुजुर्गों ने बहुत ही आंदोलन करके इस देश को बचाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इतिहास के पन्ने में आप जाएंगे, जब अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोली चला करके हिंदुस्तानी निर्दोष लोगों को लाखों लोगों को मरवाने का काम किया था, तो उसका बदला लेने के लिए भी कोई लंदन की धरती पर जा करके अगर उसका बदला लिया था तो वो दलित समाज का बेटा डॉक्टर ऊधम सिंह जी था, जो एक दलित समाज का बेटा था, और पार्लियामेंट में जा करके उन्होंने गोली मारने का काम किया था। इसलिए आज दलित समाज का हर नौजवान हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात की तैयारी में है कि हमें संविधान की रक्षा करना है, और चाहे जो कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी हर कुर्बानी को दे करके इस प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। क्या सर लगता है 2022 में दलित समाज से तमाम ऊधम सिंह पैदा होंगे? निश्चित तौर से, अगर संविधान की तरह आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने संविधान की समीक्षा की बात की थी, तो ऊधम सिंह के ही बताए हुए रास्ते पर चल करके मानोर कांशीराम साहब ने संविधान बचाओ साइकिल यात्रा पूरे हिंदुस्तान से निकाला था, और आप कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर साइकिल चला करके मानोर कांशीराम साहब ने समाज को तैयार किया था। उसी तरह से आज विधानसभा निर्वाचन 2022 के अधिदृष्टिगत मतदाता जागरूकता सहभागिता अभियान 2022 स्वीप कार्यक्रम का आयोजन आज गोपालपुर बालिका इंटर कॉलेज पुष्पनगर आजमगढ़ में किया गया। बालिकाओं द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पेंटिंग बनाई गई। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई प्रकार की स्लोगन भी बनाए गए। बालिकाओं ने वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, वोट हमारा अधिकार, कभी न करें बेकार, आपका मतदान लोकतंत्र की जान, आज स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी राज्यसभा सांसद दिल्ली राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष शिवाजी सिंह के साथ मंगलवार को अयोध्या के मांझा बरहटा गांव जाकर उन गरीब दलितों से मुलाकात की जिनकी जमीन हमारे श्री रामायण विद्यापीठ
ट्रस्ट ने स्कूल अस्पताल बनाने के नाम पर झूठ बोलकर ली और फिर भाजपा के नेता अधिकारी व ट्रस्ट के लोग इनकी जमीन बेचकर अरबों लूट रहे हैं और ये बेचारे आज भी झोपड़ियों में रहने को मजबूर। इस तरह की तमाम बातें कही। उन्होंने भी कहा कि सड़क से संसद तक माझा बरेठा के लोगों की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी। ये भी कहा कि राज्य में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने गरीब दलितों की जमीन स्कूल अस्पताल बनाने के नाम पर झूठ बोल कर ली। भाजपा के नेता अधिकारी व ट्रस्ट के लोग इनकी जमीन बेचकर और रुपए लूट रहे हैं। इसने नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म एवं हत्या के मामले का आज ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि 26 दिसंबर 2021 की रात्रि में कतवारू का पुरान अनगढ़ रोड के पास नाबालिग लड़की के साथ हुई दुष्कर्म एवं हत्या का 48 घंटे के अंदर सफलनाउन किया गया है। ज्ञात हो कि 26 दिसंबर को थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र अंतर्गत कतवारू का पुरान अनगढ़ रोड निवासी एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र 9 वर्ष बताई जा रही है कि शव होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने उसी मामले का खुलासा कर दिया है। गैंगरेप का सर आज खुलासा करने जा रहे हैं और दरिंदगी भई है सर, क्या है पूरी घटना? जैसा कि आप अवगत हैं कि परसों देर रात एक बालिका के शव प्राप्त होने की सूचना मिली थी हम लोगों को थाना कटरा क्षेत्र में। इस सूचना पर मेरे समेत सारे अधिकारीगण घटनास्थल पर पहुँचे थे, क्योंकि मामला बालिका की शव मिलने से था, इसलिए हम लोगों ने इसको चुनौती के रूप में लिया और इसके अनावरण के लिए एडिशनल एसपी सिटी सीओ सिटी के नेतृत्व में थाना प्रभारियों की टीम लगाई गई, साथ में सर्विलांस टीम और एसओजी की टीम भी लगी और 36 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया गया। सर कैसे खुलासा हुआ, क्या आरोपियों ने बताया, कैसे ये गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया? हमारी टीम ने अथक प्रयास किया और अथक प्रयास करके घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों को प्रकाश में ला करके उनको गिरफ्तार किया। उन्होंने घटना से संबंधित सारी बातें स्वीकार की। उन्होंने बालिका की हत्या से संबंधित जो भी आला कतल इस्तेमाल किया था उसको बरामद किया गया। मुलजिम के घर से बालिका के चप्पल को भी बरामद किया गया। हमारी इस टीम ने अथक परिश्रम करके इसका अनावरण किया है, इसलिए हम इसको 15,000 रुपये इनाम देने की घोषणा करते हैं। आरोपी कहाँ रहने वाले? आरोपी के घर में किशोरी कैसे पहुंची या उसको ले जाया गया था, कैसे वहां तक पहुंची थी, क्या था सर, कहां मिली थी किशोरी? दोनों आरोपी बालिका के बिल्कुल पड़ोस के ही रहने वाले हैं। इस बालिका को उन लोगों ने पतंग देने के बहाने घर में बुलाया था और ले जाकर के कमरे में उन्होंने दुष्कर्म किया। इस डर से कि कहीं बालिका इस बात को अपने घर बता न दे, उन्होंने रस्सी से उसका गला दबा करके हत्या कर दी। कौन कौन सी धारा सर लगाई गई इन आरोपियों पे, क्या कार्रवाई की गई? इसमें हत्या के साथ साथ बलात्कार संबंधी धारा 376D लगाई गई है। औतरैया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी को लेकर मचे घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमाकांत मिश्रा ने कहा कि हमें टिकट मिलता है तो हम पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और किसी अन्य साथी को टिकट मिलता है तो पूरी निष्ठा से हम उसका सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी की लोकप्रियता ही है कि इतने लोगों को टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने खुद को पुराना भाजपाई होने का दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जात धर्म मजहब से ऊपर राष्ट्रीय हित की बात को लेकर राजनीति करती है, जिसमें हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इसके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमें टिकट मिलता है तो हम पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और क्या कुछ कहा सुनिए। और जब परिवार बढ़ता है तो लोगों की अपेक्षाएँ भी बढ़ती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव होने वाला है उसमें हर सीट पे तमाम दावेदार हैं, तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन हमारा प्रदेश का नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व बहुत चौकन्ना है। एक एक कार्यकर्ता के बारे में हमारे नेतृत्व के पास पूरी जानकारी रहती है, कब किसका कहाँ उपयोग है ये हमारा नेतृत्व वर्ग तय करता है और हम सब उसके हिसाब से काम करते हैं।
मित्रा जी, जैसा कि देखे विधानसभा क्षेत्र में देखने में लग रहा है, करीब 10 लोगों की होल्डिंग लगी है। कोई अपने आप को 35 साल पुराना भाजपाई बता रहा, कोई 30 साल पुराना भाजपाई बता रहा, कोई जनसंघ के ज़माने से। चूँकि आप भाजपा के अतरौलिया के सबसे वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं, आप प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या इनके दावेदारी में कितनी सत्यता है? मैंने आपसे कहा कि परिवार बढ़ता है तो अपेक्षाएं बढ़ती हैं। 10 लोग टिकट मांगे या 100 लोग टिकट मांगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना जीवन और जवानी दोनों खपाया है, खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति से पदाधिकारी हो, लगभग 14,000 पदाधिकारी हमारे इस विधानसभा में निवास करते हैं, और 14,000 पे आप कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में लगभग 10 वोट न हो। तो आज भारतीय जनता पार्टी अतरौलिया विधानसभा में लगभग 1,25,000 वोट पे खड़ी है। 1,25,000 को छूने का मादा न तो सपा में है न बसपा में है। इसलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि अतरौलिया में भी कमल खिलेगा और 22 में 350 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। बताइए सर, आप जिले भारतीय जनता पार्टी के जिले के वरिष्ठ चेहरा हैं, आप प्रदेश कार्य समिति में हैं, आप प्रदेश की राजनीति निर्धारित करते हैं, ऐसे में सर अगर आप विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का टिकट आपको मिलता है तो आप अपने विधानसभा में कौन सी मुद्दे को वरीयता देंगे? हम समाजवादी पार्टी के आतंक को तोड़ेंगे जो लंबे समय से बलराम यादव और उनके परिजनों के लोगों का कब्जा है। वह कभी इस विधानसभा में विकास की कोई योजना नहीं शुरू कर पाए हैं, चाहे वह 100-बेड हॉस्पिटल हो, उसको भी मैंने संघर्ष करके जमीन खाली कराई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही वो अस्पताल बन के सुसज्जित हुआ है। सड़कों का जाल हो, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा जनपद के समस्त थानों के चुनाव रजिस्टर की समीक्षा की गई। रजिस्टर के रखरखाव और उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त चुनाव मुंशियों को बुलाकर चुनाव के संबंध समीक्षा की गई तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चुनाव के रजिस्टर के रखरखाव तथा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए थाना मुबारकपुर पर नियुक्त चुनाव मुंशी आरक्षी योगेंद्र कुमार मौर्य को नगद 500 रुपये से पुरस्कृत किया गया और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस रजिस्टर के रखरखाव में कमी व चुनाव की पुराई तैयारियां पूर्ण न करने पर थाना अतरौलिया, महाराजगंज व गंभीरपुर के थाना प्रभारियों को चेतावनी जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। आजमगढ़ में हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा प्रतिभा निकेतन स्कूल में चल रहे हुनर रंग महोत्सव अखिल भारतीय भारनाटक एवं लोक नृत्य समारोह के अंतिम दिन 3 नाटकों का मंचन हुआ। पहली प्रस्तुति के रूप में पथ जमशेदपुर झारखंड के कलाकार द्वारा मोहम्मद निजाम के निर्देशन में नाटक कन्यादान का मंचन किया गया। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित इस नाटक का हिंदी अनुवाद वसंत देव ने किया। नाटक के माध्यम से समाज में फैले जातिगत भेदभाव पर प्रहार किया गया। दिखाया गया कि लोग आदर्शवादी बातें करते हैं लेकिन सहयोग करने की बात आती है तो पीछे हटते नजर आते हैं। नाटक में दिखाया गया कि आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी समाज में जातीय वर्ण भेदभाव खत्म नहीं हुआ। जिले की समाजवादी पार्टी कार्यालय से सपाइयों ने सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और महामहिम राज्यपाल को नामित ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों से रूबरू होते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय ने कहा कि केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा सरकार अपने कुकृत्यों ऊपर पर्दा डालने और जनता का ध्यान जन समस्याओं से भटकाने के उद्देश्य से विरोधी दल के नेताओं को परेशान प्रताड़ित करने के साथ ही फर्जी कदम फंसाने का घोषणा कृत कर रही है। और क्या कुछ कहा सुनिए। अपना परिचय बता दें। मैं इंजीनियर राष्ट्रीय पहलवान लालचंद यादव 348 निजामा विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़। अच्छा, किस लिए धरना प्रदर्शन आज निकला था? ये जो है भाजपा की प्रदेश सरकार धर्म और जात मजहब के नाम पर बांटने का काम कर रही है और जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ FIR हो रहा है, उनको जेलों में डालने का काम कर रहा है। इसलिए हम समाजवादी लोग ये संकल्प ले लें कि इस सरकार को 2022 में खदेड़ेंगे और इस प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव को 2022 में बनाया जाएगा और इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। उनकी सरकार बनेगी तो खुशहाली आएगी गरीबों के लिए, तमाम मजलूमों के लिए, तमाम उनकी योजनाएं हैं। उनकी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे और 55 लाख महिलाओं को जो समाजवादी पेंशन 500 दिया जा रहा है उसको जो है 2000 समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। कन्या धन, विद्या धन, विधवा धन, वृद्धा पेंशन, तमाम योजनाएं जो लागू हैं
और 4.5 लाख नौजवानों को भर्ती करेंगे, चाहे किसी जात का, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे जमात पासी धोबी मुसहरट हो, प्रजापति किसी जात का हो, केवल हाई इंटर पास रहेगा, दौड़ निकाल लेगा, वो सिपाही बन जाएगा। तमाम ये सरकार जो है प्रदेश देश को बेचने का काम कर रही है, और डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, कोई सुरक्षा। आज सर धरना प्रदर्शन किया गया है, जुलूस है, क्या इसका मांग है? क्या देखिए, भूमिहार समाज के खिलाफ जो ये सरकार उत्पीड़न कर रही है उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन था। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्री राजीव राय जी के ऊपर द्वेषवश इनकम टैक्स की रेड पड़ी और 17 घंटे में सरकार ने 17,600 अधिकारियों ने निकाला और 17 घंटे उनको मानसिक उत्पीड़न दिया। ये सरकार से द्वेषवश काम कर रही है, इन्हें हमारे विजय रथ यात्रा से घबरा गए, ये डर गए, इन्हें पता है कि ब्राह्मण और भूमिहार किस तरफ जा रहे हैं, तो इनका डर अच्छा है, लेकिन इस तरह का उत्पीड़न ना भूमिहार समाज ना ब्राह्मण समाज बर्दाश्त करे। क्या लगता है कहीं ना कहीं योगी जी डरे हुए हैं? मैं वही बात तो कह रहा हूँ, डरे हुए हैं, हताशा में एकदम है माननीय बाबा जी, नहीं तो इस तरह की हरकतें नहीं करते। अभी आज तो इनकम टैक्स आया है, कुछ दिन में ईडी भी आएगी और सीबीआई भी आएगी। क्या लगता है इनके हार के बाद कहीं जगह मिलेगी इनको? हार के बाद ये बीजेपी उत्तर प्रदेश से साफ होने जा रही है। आजमगढ़ में तो शून्य मिलने जा रहा है इन्हें, बड़ा और शून्य के ये प्रैक्टिस कर लें।